रिश्ते जोड़े घर बैठे पाएं अपने मन पसंद के रिश्ते, बालाघाट जिले में एकमात्र मैट्रिमोनी रिश्ते.com। यहां पर सभी धर्म जाति के रिश्ते के संबंध कराए जाते हैं। बिजनेसमैन, नेवर मैरिड, बैंकिंग, डॉक्टर, तलाकशुदा सहित सभी धर्म जाति के संपर्क करें मैट्रिमोनी रिश्ते.com। हमारा पता सिंधु भवन, आजाद चौक, गोंदिया रोड, बालाघाट। नंबर 7903280759, 9755822797 पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत न्यूज, मैं विनीता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खास और बड़ी खबरों पर। बहेला थाना के खराड़ी कादला के जंगल में नक्सली और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ मंगलवार को लांजी अनुविभाग के बहेला थाना अंतर्गत ग्राम खराड़ी कादला के बीच खेतों में नक्सली एवं पुलिस के बीच फायरिंग होने की खबर सामने आई है। घटना के संबंध में एसडीओपी दुर्गेश आर्मो से पुष्टि करते हुए जानकारी में बताया कि मंगलवार को ग्राम खराड़ी कादला के बीच खेतों में बनी झोपड़ी में नक्सली होने की खबर पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम बनाकर मौके स्थल पर जा रहे थे। पुलिस मौके स्थल पर पहुंचती वैसे ही नक्सलियों द्वारा अंधाधुंध 5-6 राउंड फायरिंग करते हुए जंगल के रास्ते फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि जब नक्सलियों के द्वारा फायरिंग की जा रही थी, तब खेतों में ग्रामीणों के द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा था, जिसके चलते ग्रामीणों सुरक्षा की दृष्टि के चलते उनकी ओर से सिर्फ एक ही राउंड फायर हो पाया तथा नक्सली भागने में कामयाब हुए। जानकारी में यह भी बताया गया है कि नक्सलियों की संख्या 4 थी। नक्सली गांव में मुखबिर की तलाश करके उनके ले जाने के उद्देश्य से आए थे। इस बीच नक्सलियों के द्वारा खेतों में बनी झोपड़ी में मछली बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा कर रहे थे। इस दौरान पुलिस को आता देख नक्सली फायरिंग करते हुए जंगल के रास्ते फरार हो गए। पुलिस को लगातार मुखबिर के माध्यम से और हमारे जो नक्सल सेल के जरिए सूचना मिल रही थी कि लांजी और बहेला थाना क्षेत्र में जो गांव आते हैं, यहां पर नक्सली जो है नए रिक्रूटमेंट के लिए या फिर जो अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए लगातार भ्रमण कर रहे हैं। कल लगभग 8:30 बजे जो है वरिष्ठ अधिकारियों से हमको सूचना मिली कि ग्राम खराड़ी जो है थाना बहेला अंतर्गत, यहां पर कुछ नक्सली जो है पुलिस के मुखबिर की हत्या करने के उद्देश्य से आने वाले हैं। तो इसी सूचना पर हमने यहां से पार्टी भेजी हुई थी हॉकफोर्स की, और बहेला थाना कैंपस में जो सीआरपीएफ है उसे भी भेजा गया था। तो जैसे हम ग्राम खराड़ी जो है डैम के रास्ते से पहुंचे खेतों तक, तो वहां पे कुछ लोग काम भी कर रहे थे ग्रामीण जन, और एक झोपड़ी में जहां एक झोपड़ी बनी हुई थी खेत से, वहां से अचानक जो है पुलिस फोर्स पर जो है फायर आया। तो अचानक पुलिस फोर्स जो है खेतों की मेड़ की और वहां जो पेड़ वगैरह थे आड़ वगैरह लिया उन्होंने, और लेकिन चूंकि ग्रामीण जन थे तो हम क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि फायर कहां से आ रहा है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद देखा तो वो जो है वहां जो 4 लोग थे झोपड़ी से वो भागते हुए दिखे, वो पुलिस की तरफ फायरिंग करते जा रहे थे। पुलिस की तरफ से भी एक फायर किया गया, लेकिन चूंकि ग्रामीण जन इतने थे तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने कोई अतिरिक्त फायर नहीं किया। और वो जो डैम के पास जो वहां पर बेसरम के झाड़े हैं और झाड़ियां जो थी उनका सहारा लेते हुए नक्सली जंगल भाग गए। सूचना ये थी हमको कि करीब 15 से 16 नक्सली जो है आने वाले हैं, और जिसमें से 4 से 5 लोग जो है गांव में आएंगे और पुलिस के मुखबिर को उठा के जाते या हत्या करते जो भी है, और सपोर्ट में इनके करीब 10 से 12 जो नक्सली हैं खराड़ी जंगल में बैठे हुए थे। फिर वहां से कुछ बरामद हुआ, कुछ सामान जो है वहां झोपड़ी में जो ये लोग 4 लोग थे उनसे कुछ मिला है। 3 करीब मेमोरी कार्ड मिले हैं, उसमें उनके जो साहित्य है और कुछ पोस्टर जो है, अभी शहीद दिवस सप्ताह जो इनका था 28 जुलाई से 3 अगस्त तक का, तो उसके संबंध में भी कुछ उसमें पोस्टर हैं कि इस दौरान हमको कार्रवाई करना है और बदला लेना है अपने शहीदों का। और इसके अलावा कुछ वीडियो है जो उनके नाट मंचन जो इनकी समिति होती है उसका, और कुछ वीडियो है इनके मोटिवेशनल जो है उनको बढ़ावा देने चाहिए। सर, इस संबंध में क्या कार्रवाई, क्या लगातार सर्चिंग जारी है जितनी भी चौकी क्षेत्र सभी से, आज सुबह जो है कल शाम को भी सर्चिंग कराई गई, आज पुनः जो है सर्चिंग प्लान निकाला गया है। ठीक, थैंक यू सर।